हरिओम मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे इस नया वीडियो के साथ। दोस्तों आज देख सकते हो इस गणेश मूर्ति को आज हम फिनिशिंग मिट्टी देने वाले हैं, मतलब उसके फिनिशिंग करेंगे जो कि इसका स्ट्रक्चर बना लिए थे। उस वीडियो को देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, जाके एक बार इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद जाके एक बार ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को जारी रखते हैं। पहले तो देख सकते हो हमने सिंहासन के ऊपर मिट्टी लेपना शुरू कर दिए हैं, इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा के फिनिशिंग कर देंगे सब तरफ। बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से अंत तक स्किप मत कीजिएगा, आराम से धीरज रख के देखते रहिएगा। सिंहासन का थोड़ा बहुत फिनिशिंग करने के बाद दोस्तों देख सकते हो गणेश जी का धोती जो है बना रहे हैं अभी। इसी तरह वीडियो में बने रहना, और दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो और देखने के लिए। और दोस्तों बने रहना वीडियो में इसी तरह। दोस्तों धोती को फिनिशिंग करने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत इसे इसके ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर दे रहे हैं, देख सकते हो जो होता है ना धोती में स्ट्रक्चर वगैरह जो फोल्ड हो जाता है, इसी तरह की बना रहे हैं अभी देख सकते हो। और दोस्तों गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसी तरह मिट्टी से मूर्ति बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और दोस्तों बने रहना वीडियो में, देख सकते हो इसी तरह स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। इस तरफ बना लिए दोस्तों, वहाँ पे उस तरफ भी बना लेंगे दूसरी तरफ, ठीक इसी तरह। दोस्तों धोती का स्ट्रक्चर होने के बाद दोस्तों देख सकते हो पेट से शुरू किया है मिट्टी के लेपन करना। तो दोस्तों इसी तरह थोड़ा थोड़ा पतला पतला मिट्टी देते, मतलब मिट्टी को फिनिशिंग करते चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी दे देंगे तो ज़्यादा बड़ा दिख जाएगा हाथ तो, ओके जो भी हो, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी देंगे ताकि स्ट्रक्चर बिगड़ ना जाए। दोस्तों शरीर के अंगों में थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग करने के बाद दोस्तों देख सकते हो अभी चेहरा पे फिनिशिंग कर रहे हैं, मतलब चेहरा थोड़ा तो डिफिकल्ट है भाई, इसलिए इसे पहले बना देते हैं, फिर बाद में उंगलियां सब कुछ बना देंगे और सबको अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो बने रहना वीडियो में। दोस्तों सबको थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग करने के बाद दोस्तों देख सकते हो अभी हम गणेश भगवान की उंगलियां बना रहे हैं, देख सकते हो। पहले तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खैल लेके वहाँ पे चिपका देंगे तो चिपक जाएगा तो उंगलियां हो जाएगा। चलो वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों इसी तरह सब तरफ की उंगलियाँ, मतलब तीनों हाथों में उंगलियाँ बना लेंगे। दोस्तों देख सकते हो जितने भी कष्ट, मतलब डिफिकल्ट जितना भी था वो सब बना चुके हैं दोस्तों। अभी बस ज़्यादा डिफिकल्ट वाला वो सब बना चुके हैं, देख सकते हो। इसी तरह सब कुछ डिफिकल्ट वगैरह सब कुछ बना लिए हैं। तो दोस्तों जितने भी मतलब आसान है वो सब कर रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों
बने रहना वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के अंत में, इसी तरह देखते रहिएगा। अभी तो बोला ना कि जितने भी डिफिकल्ट था वो सब कुछ बता चुके हैं, तो जितने भी और जगाता तारणहार तू, या विश्वासा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्त जीता मना पुरविता, महाद्वारया नगरी सा तू, महाद्वारया नगरी सा तू, दैवत अमुता विनायका तू, दैवत अमुता। दोस्तों आंखों को बनाने के बाद दोस्तों हमारा गणेश भगवान जी देख सकते हो कंप्लीट हो चुकी है मूर्ति। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो में आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, तो कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखना, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।